क्या आप अपने मोबाइल पर लैपटॉप या पीसी के जैसे व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं? अगर आप चलाना चाहते हो तो आप सही जगह पर आए हो। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप लैपटॉप या पीसी के जैसे व्हाट्सएप अपने मोबाइल में चला सकते हो। तो आज हम बात करेंगे अपने मोबाइल पर लैपटॉप या पीसी के जैसे व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। ये एक बहुत ही उपयोगी, सरल और अच्छा तरीका है दोस्तों, और आप बहुत सारे फीचर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं जैसे लैपटॉप या पीसी पर करते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है web.whatsapp। यहाँ पर देख सकते हो मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे लिखना .com, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पहली ही वेबसाइट आ रही है, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पर थ्री डॉट नहीं है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देन आपके क्रोम ब्राउज़र को आपको डेस्कटॉप साइट कर देना है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पर एक QR कोड दे देता है। यहाँ पर ये वाला QR कोड आ गया दोस्तों। अब इसको आपको स्कैन करना है। एक तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल ऐप का एक ऑप्शन दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, तो जो ये व्हाट्सएप वेब का जो ऐप है दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है, आपके मोबाइल में जो ऐप इंस्टॉल होता है उतना ही टाइम होगा। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों जो ऐप था वो यहाँ पर आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पे QR कोड जनरेट होगा। यहाँ पर देख सकते हो ओपन हो गया है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, आप अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो आप मोबाइल से आप उसको चला सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो QR कोड आ गया, या फिर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से भी लिंक कर सकते हो। हम QR कोड स्कैन करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी व्हाट्सअप चलाना है उस व्हाट्सअप में जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कहाँ जाना है। जैसे यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सअप ओपन कर लिया। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है, या अपनी प्रोफाइल में जाना है, उसके बाद सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है लिंकेड डिवाइस, आप देख सकते हो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लिंक ए डिवाइस, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका जो भी पैटर्न है उसको लगाना है। देन आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो कैमरा ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसको स्कैन करके, देख सकते हो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद मैं दूसरे व्हाट्सएप से इसको लिंक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे लैपटॉप में हमारे पास व्हाट्सएप चलता है वैसे ही व्हाट्सएप यहाँ पर आ जाएगा। मैं किसी दूसरे मोबाइल से इसको स्कैन करता हूँ, स्कैन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं स्कैन कर रहा हूँ, देन लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हो स्क्रीन चेंज हो चुकी है, यहाँ पर चैट्स लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा वेट करना है हमको, और सेम टू सेम यहाँ पर देख सकते हो जैसा हमारा डेस्कटॉप होता है वैसे ही स्क्रीन आ गई सामने। और किसी भी मैसेज को अगर आप टच करते हो, यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने इसके ऊपर टच किया, तो ये सेम टू सेम जैसे हम लैपटॉप या पीसी पर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं वैसा ही व्हाट्सअप आ गया है। देन यहाँ पर साइड में नाम आ गया है, और अगर आप टाइपिंग पे क्लिक करते हो तो ये जूम हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ऐसे आप इसको पूरी तरह से मैसेज कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका कीबोर्ड आप बैक करते हो और इसको आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, स्टेटस वगैरह देख सकते हो, जैसे लैपटॉप में देखते हो स्टेटस भी क्लिक करोगे आपके स्टेटस साइड में खुल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपने ही मोबाइल में लैपटॉप या पीसी के जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो। इसको अगर आप रोटेट करते हो फ़ोन को, अपने फ़ोन को रोटेट करते हो तो और भी अच्छा दिखता है, जैसे कि मैं आपको रोटेट करके बताता हूँ। यहाँ पर ये मैंने रोटेट ऑफ किया, देन मोबाइल को जैसे रोटेट किया तो यहाँ पर देख सकते हो पूरी तरह से हमारा डेस्कटॉप बन चुका है। तो आप ऐसे करके अपने मोबाइल में डेस्कटॉप यूज़ कर सकते हो, डेस्कटॉप का जो व्हाट्सअप है वो यूज़ कर सकते हो, और कीबोर्ड साइड में आएगा मोबाइल जैसा। यहाँ पर पूरी तरह से हमारा जो लैपटॉप में व्हाट्सअप चलता है सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पर भी आ गया है। ऐसे ही आप आसानी से अपने मोबाइल में लैपटॉप जैसा व्हाट्सअप चला सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
हूँ।